हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी कुकिंग विद अनुभा। और मैं हूं आपकी दोस्त अनुभा कपिल। और फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आई हूं मैं टूटी फ्रूटी केक की रेसिपी, बहुत ही आसान से विधि के साथ, बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट्स के साथ। आशा करती हूं रेसिपी आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं इस केक को, और इंग्रेडिएंट्स आपके सामने इस तरह से हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने लिया है मैदा, ये है 1.5 कप। ये लिया है बटर, ये सॉफ्ट बटर है, मैंने फिर से काफ़ी देर पहले बाहर निकाल लिया था। और ये है 1/2 कप। और ये है पिसी हुई चीनी, ये भी 1/2 कप। ये है 3/4 कप दही, ताज़ा दही है ये। 1/4 कप है नॉर्मल टेम्परेचर का दूध। और ये मैंने 3 तरह के एसेंस लिया है, कुछ बूंदे लिए मैंने वनीला एसेंस की, कुछ पाइनएप्पल एसेंस की, और कुछ कार्डमम एसेंस की। यदि आपके पास ये सभी एसेंस ना हो तो केवल वनीला एसेंस से भी काम चल जाएगा, डोंट वरी। और साथ में ये लिया है मैंने आधा टीस्पून लिया है मैंने बेकिंग सोडा, और 1 टीस्पून लिया है मैंने बेकिंग पाउडर। चुटकी भर लिया है नमक, और कुछ टूटी हुई है 1/2 कप है टूटी फ्रूटी, इनको मैंने 1.5 चम्मच मैदा से कोट कर लिया ताकि ये इसके अंदर नीचे ना बैठे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, मैं अभी बाकी के इंग्रेडिएंट्स रख दें साइड में, और मैंने लिया है 1 विस्कर, और इसकी हेल्प से मैं जो बटर है, सॉफ्ट बटर पहले से थोड़ा, और इसको मैं अच्छे से कर लूँगी फ्लफ़ी। मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से भी कर सकती हूँ, पर मेरे कुछ फ्रेंड्स जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, मैं उनके लिए आज से विस्कर से ही इसको मैं विस्क करूँगी, ताकि उनको भी लगे कि हाँ ये इस तरह से भी बड़े आराम से हो जाएगा। तो अभी मैं इसको करती हूँ विस्क 1-2 मिनट के लिए, और ये काफ़ी फ्लफ़ी हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, और एकदम जैसे पेल है ना, एकदम वाइट हो जाएगा। तो मैं इसको पहले विस्क कर लेती हूँ थोड़ा सा अच्छे से। और फ्रेंड्स, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सभी की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि 1-2 मिनट बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, फ्लफ़ी हो गया है, लाइट हो गया है। और यदि आपके पास विस्कर नहीं है तो आप इसे फॉक की या किसी स्पून की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो और यदि इलेक्ट्रिक बीटर है तो उसे तो कर ही सकते हैं। तो खैर, ये हो गया है हमारा सॉफ्ट, और ये हो गया है लाइट। अब इसमें हम मिक्स करते हैं ये पिसी हुई चीनी, यदि आपके घर की पिसी हुई चीनी है तो वो ले सकते हैं, अगर आइसिंग शुगर होती है मार्केट वाली वो भी ले सकते हैं। और इसको भी इसमें डालकर अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बीच बीच मैंने स्पैचुला से इसको स्क्रैप किया, और आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो मिक्सचर है काफ़ी फ्लफी हो गया है, लाइट हो गया है, और कलर भी चेंज हो गया है। ओके, अब फ्रेंड्स हम इसमें मिला देंगे दही, और इसको भी एक अच्छा सा मिक्स देंगे। और फ्रेंड्स, इसके साथ हम मिला देंगे अपने तीनों एसेंस। और फ्रेंड्स, यदि आपको तीनों एसेंस ना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ना मिक्स फ्रूट एसेंस ले सकते हैं, और वरना थोड़ा सा इलायची का पाउडर, हरी इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब हम मिलाते हैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स, अपने मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और ये चुटकी भर नमक, इसको छान लेते हैं। और फ्रेंड्स, इसको हम मिक्स करेंगे स्पैचुला से, क्योंकि विस्कर से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको मिक्स करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्पैचुला। तो फ्रेंड्स, इसको एक अच्छा से मिक्स दे देते हैं पहले। और फ्रेंड्स, इसी समय पर मिला लेंगे हम अपनी टूटी फ्रूटी जो हमने कोट की हुई है मैदा से, इसको भी एक बार पहले जेंटली मिक्स कर देंगे। और फिर इसमें हम मिलाएंगे दूध, आप देख सकते हैं इसमें मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ठीक है, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए इसमें दूध मिला देंगे, लेकिन पहले एक बार इसको हल्का सा मिक्स दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें मिला देंगे दूध। और फ्रेंड्स, आपको मैं एक बार बता दूं कि यदि आप चाहें ना तो इसमें पसंद के नट्स भी मिला सकते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता वगैरह, उससे इसका टेस्ट और भी सुपर डुपर हो जाएगा। और यदि नहीं है तो इन सबसे तो काम चल ही जाएगा, और बस इसको एक हल्का सा मिक्स देंगे हम, और ये हमारा मिक्सचर हो जाएगा रेडी बेक होने के लिए। तो बस इसको थोड़ा सा कंबाइन कर देना है हमें, थोड़ा थिक है ये, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा ही चाहिए हमें। तो फ्रेंड्स, हमने मिक्सचर कर लिया है रेडी, और ये मैंने एक लिया है टिन, पर इस शेप का रेक्टेंगल शेप का टिन है, मैंने इसमें बटर पेपर लगा रखा है। यदि आप पास ये ना हो तो नॉर्मल जो केक टिन होता है स्क्वायर या राउंड शेप का, उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर प्रीहीट किया हुआ है, इसको मैं बनाऊँगी 160 डिग्री टेम्परेचर पर, लगभग 50 मिनट इसको लग जाएंगे बेक होने में। तो फिलहाल मैं इसको सारे मिक्सचर को इसमें कर लेती हूँ ट्रांसफ़र। और फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से टैप करके और स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से लेवल अप कर देंगे, और इसके बाद इसको रख देते हैं हम बेक होने के लिए 50 से 55 मिनट के लिए 160 डिग्री टेम्परेचर पर, माइक्रोवेव भी कन्वेक्शन मोड पर। केक हो चुका है अच्छे से बेक, मैंने इसको नाइफ डालकर देख लिया, ये बिल्कुल क्लीन आया है। और अब इसको थोड़ा सा ठंडा मैंने कर लिया है, और इसको कर लेती हूँ डीमोल्ड। तो एक ली मैंने प्लेट, उस पर गया केक को इस तरह से,
देखो फ्रेंड्स कितना फ्लफी और कितना मॉइस्ट केक बना है ये। और अब हम करते हैं इसके पीसेस। तो पहले थोड़ा सा आई का पार्ट कट कर लेते हैं इसमें से। और मैंने केक को वापस उल्टा कर दिया है, इधर से वापस इधर रख दिया है, क्योंकि इधर से बहुत प्यार लग रहा है ये। और इसको हम अपनी पसंद से अपनी जितना बड़ा साइज आप चाहें, छोटा बड़ा, इसको आप कट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा इतने बड़े बड़े पीसेस कट करूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, पहले आपको दिखाना चाहूँगी इसका केक का टेक्स्चर कितना स्मूथ, कितना सॉफ्ट ये बना है। देखिए कितना सॉफ्ट केक ये बना है। और अब अपनी पसंद से इसके छोटे बड़े जैसे पीसेस आप करना चाहें इसके पीसेस कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे ऐसे पीसेस में से कट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है, कितना सॉफ्ट ये बना है। इस साइड से इसमें ड्राई फ्रूट्स भी दिख रहे हैं, सॉरी ये हमारी चेरीज भी दिख रही हैं। और ये बनकर हो गया है रेडी। और फ्रेंड्स, अब आप मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको एक लाइक दीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जल्दी एक और नई वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक क्लिक की वॉच माई वीडियोज़। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।